आपको दिखाने वाली हूँ कच्चे आम के पन्ने, जिसके लिए मैंने ले रखा है 2 आम, और मैंने ये गुड़ ले रखा है, और ये नमक है, ये भुना जीरा, भुना काली मिर्च का जीरा है, तो आप इसे घर पर भी बना सकते हो, काली मिर्च और वो रोस्ट कर, जीरा रोस्ट करके उसको आप ग्राइंड कर सकते हो। ये मैंने काला नमक ले रखा है, ये मैंने पुदीने की ढेर सारी लीव्स ले रखी है। चलिए हम शुरू करते हैं। आम को पहले हमें रफली हम कट कर लेंगे, और कट करके हमें इसे पहले बॉईल करना है। मैंने सारे मैंगो को कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। उसके बाद 5 मिनट हो गए हैं, हमारे मैंगो बन गए हैं। अब इसको हम ग्राइंड, इसको हम आधे घंटे के लिए रख करके फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडर में आम को डाल करके आधे घंटे हो गए हैं रखे हुए, ऐसे सारी चीजों को हम साथ में ग्राइंड करेंगे। मैंने मैंगो डाल लिया, पुदीने के लिए डाल दिया, टू टेबल स्पून भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। सारी चीजों को हमको ग्राइंड करना है। सारी चीजों को मुझे डाल के ग्राइंड करना है। इसे मैंने मैंगो पका के डाले हैं, पुदीने के लिप्स हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, और काला नमक डालना है। टू टेबल स्पून सादा नमक डाल दिया मैंने। पहले हम इसे पहले बिना पानी के ग्राइंड करेंगे, उसके बाद पानी इसमें ऐड करेंगे। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून लास्ट में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर हम 1 गिलास पानी डाल के फिर इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा पन्ना बनके रेडी हो गया है, अब इसको हम पहले छान लेंगे। देखिए काफ़ी थिक बना हुआ है, आप इसे चाहे पानी और ऐड करके उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। अब हमारा ठंडा ठंडा मैंगो पन्ना बन के रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। हमारा पन्ना रेसिपी अब रेडी हो गया है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बोलिए कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।